नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का भव्य स्वागत है। तो चलिए, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पति को हम ज़्यादातर पीली चीज़ बनाते हैं। तो पीली चीज़ का मतलब आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो इस समय शायद 11 बजने वाला है, तो ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच की थोड़ा तैयारी करेंगे, 1 बजे करीब खाना भेजना होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ, चलिए देखिए। तो नमस्कार, वीडियो शुरू करने के पहले फिर वही एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, देखिए कढ़ी तो हमें लगता है कि पूरी इंडिया में, हर प्रांत में, हर ज़िले में, हर घर में महीने में 2-4 बार तो बनी जाती है, लेकिन सबके यहाँ का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कुछ दाल कैसे बनाता है, कोई मूंग की दाल का बनाता है, कोई बेसन का बनाता है, कोई चने की दाल का बनाता है, कोई दही डालता है, कोई मट्ठा डालता है, अलग अलग तरीके से कढ़ी बनती है। तो चलिए, आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मैं आज अपने तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने कुल मिला के 1 कटोरी बेसन लिया है, क्योंकि हमारा छोटी सी फैमिली है, उसमें ज़्यादा मतलब बचाने की अन्न वेस्ट जाए ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम 2-3 लोग हैं और मेरी एक प्रकाशा आती है, तो वो सफाई कर्मी है, लेकिन वो थोड़ा परेशान रहती है, इसलिए मैंने सुबह का खाना तय कर दिया है, ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है। तो चलिए, ये देखिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है। तो मैं पहले कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार करती हूँ। तो इस घोल को आप एक बड़े बाउल में ले लें, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, खट्टा अगर है तो 1 चम्मच लीजिए, नहीं खट्टा तो बेसन और दही बराबर मात्रा में लीजिए, और उसको फेंट लीजिए खूब देर तक, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन चलिए मैं आज इसमें बनाऊंगी, जिससे इसका मतलब इस मिक्सी में डाल के इसको हम घोल देंगे, तो इसमें जो गांठे वाँठे दसरप पड़ जाती हैं वो नहीं कट पड़ेंगी। देखिए, तो 2 चम्मच फुल बड़ा स्पून है ये मेरा, ये देखिए, ये 2 स्पून ले लिया है। अब ये ले लेंगे, ये हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी। अब आप देखिए, इससे गांठे पड़ी हुई हैं, ये देखिए, या तो इसको हम छलनी से छाने, बड़ा झंझट होता है, पहले छलनी से छाने फिर उन गांठों को फोड़ें, तो मैंने आज ये सिस्टम बनाया है। अब इसमें देखिए, मेरे घर का बनाया हुआ दही है, जितना बेसन है उतना ही दही डालेंगे, क्योंकि ये दही खट्टा कम है, ये हमारे फ्रिज में रखा हुआ था, तो देखिए खट्टा नहीं है ये। और कढ़ी आप जानते हैं, अगर खट्टी होती तभी अच्छी लगती। देखिए, दही बहुत बढ़िया जमा हुआ, बाजार वाला बेकार है। अब ये देखिए, ये मेरा दही और ये बेसन पड़ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए बहुत थोड़ा, इसी समय पर ये कश्मीरी मिर्च, और देखिए डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से कढ़ी बहुत खट्टी हो जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम पानी डालते हैं, 1/2 कप बेसन था, इसमें करीब 2 कप पानी पड़ेगा, और 2 कप पानी पड़ के मैं इसको मिक्सी चला दूंगी, एक बार ग्राइंड कर लूँगी, इसके बाद फिर कढ़ी आप जितनी मतलब ठीक या थिन जैसा रखना चाहे उस हिसाब से आप पानी मिलाते रहें। तो चलिए, मैं इसको मिक्सी मिला चला देती हूँ। अब देखिए, पहले इसमें हम पानी डाल देते हैं, इतना पानी डालेंगे कि बाहर ना फेंके, ये देखिए, बाद में जब ये बन जाएगा तो हम इस पानी मिक्स करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ी का बैटर वो तैयार हो गया है, कढ़ी का बैटर। अब ये बेसन हम घोलते हैं, ये देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो प्याज, लौकी, बैंगन कद्दूकस करके आप जो पसंद हो आपको वो डालिए। तो ये देखिए बेसन, अब इसमें हम सामान डालते हैं, देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन है, अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी होती है, और डालेंगे हींग, देखिए ये हींग पड़ गई, और अब जाएगी अजवाइन, ये देखिए थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे, ये अजवाइन हो गई। अब इसमें थोड़ी हल्दी, और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा लाल मिर्च, ये देखिए हल्दी डाल दिया, अब थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और हम आज बेसन की पकौड़ी सादी सादी बनाएंगे, ये अब थोड़ा सा। अब देखिए, इसमें हम धीरे धीरे करके पहले इसको सब मिक्स करते हैं, लेकिन हम नमक नहीं डाले हुए हैं, ये देखिए नमक से थोड़ा खटास आ जाती है, इसलिए इसको इसके गांठे खत्म हो गई। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, जिससे इससे गांठे ना पड़े, ऐसे ऐसे। देखिए कढ़ी भी बनती है, लेकिन कढ़ी के कई तरीके होते हैं। देखिए पंजाब में
कढ़ी बनती है वहाँ पकौड़ा कम पड़ता है, कढ़ी पकौड़ा अलग होता है, कढ़ी अलग होती है, मुश्किल से दो तीन पकौड़ियाँ मिलती हैं, बाकी कढ़ी होती है। राजस्थान में जयपुर में भी देखिए कढ़ी का घोल ही तैयार होता है, लेकिन हमारे इधर यूपी में बिना पकौड़ी कढ़ी नहीं परफेक्ट मानी जाती। हमारे यहाँ कढ़ी से ज़्यादा मतलब ग्रेवी से ज़्यादा पकौड़ियों की वैल्यू होती है। बहुत सारी पकौड़ियाँ डाली जाती हैं हमारे यूपी में कढ़ी में, वो ढेर सारी बनाई जाती हैं, सब खाते भी हैं घर में, वो पकौड़ी बनता। अब इसको हम फेंटते रहेंगे, खूब देर तक फेंटना है इसको भी। आप देखिए उड़द की दाल जैसी इसकी फिटाई कीजिए, और ये देखिए जैसे उड़द की दाल फेंटी जाती है वैसे इसको 5 मिनट के लिए खूब कस के फेंटिए। ये अब इसको फेंटने के बाद इसकी पहली पहचान ये होती है कि आप खूब फेंट लोगे तो जब इसे पानी में डालोगे तो बिल्कुल उड़द की दाल के जैसा ऊपर आ जाएगा। देखिए अभी मेरा ऊपर नहीं आया है, तो चलिए देखिए बेसन मेरा फेंट चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो ये देखिए कसूरी मेथी इससे इसका। और ये एक चीज़ और भी है, आप जानते होंगे फिर भी मैं बता रही हूँ कि बेसन जो है एक ही स्टाइल में घोटे, ये नहीं कि दोनों तरफ नहीं घुमाना कि मैंने ऐसे भी घुमा दिया ऐसे भी घुमा दिया, नहीं बस एक स्टाइल में। इसमें एयर भरनी होती है तभी इसमें देखिए छेद छेद से पकौड़ियों में बनते हैं। तो एक ये इसको मैं 10 मिनट हो गया इसको फेंटते हुए, मैं इसको ऐसा ही गाढ़ा घोल रखूंगी, नहीं थोड़ा सा पानी और डालते हैं बहुत ज़्यादा सा। एक लोग अभी हमसे पूछे थे, बहुत पहले की बात है, कि मेरी पकौड़ियाँ जो हैं वो रस नहीं पी पाती या मतलब कढ़ी नहीं अंदर भर पाती, तो और दूसरी बात है कि बहुत टाइट टाइट हो जाती हैं और वो चोंच जैसी निकल आती है। तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा कढ़ाई में तेल कम डालिए, ज़्यादा तेल डालेंगे तो पकौड़ियों में चोंच निकल आती है और फूलती भी नहीं ठीक से। तो अब ये देखिए ये मैंने डाल दिया है बेसन, अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी सोडा। अब आप सोचोगे कि कढ़ी में सोडे की क्या ज़रूरत जब हमने इतना इसकी पिटाई कर ली, लेकिन सोडे का एक अलग अपना टेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा फुलाता है अंदर, छेद छेद अंदर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है सोडा डालने से। तो इसीलिए देखिए हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं, तो इसलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए मैंने सोडा भी डाल दिया है, अब आप इसमें चाहें तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, देखिए स्वाद के अकॉर्डिंग ये जितना बेसन है उसी हिसाब से नमक। अब अगर चाहें आप तो प्याज डालें, लौकी डालें, बैंगन डालें, जो भी चाहें, लेकिन आज मैं शादी बना रही हूँ, मेरे यहाँ लौकी है नहीं, मैं लौकी डालती हूँ ज़रूर, क्योंकि लौकी की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है। और एक टिप्स और कि ये बिल्कुल मीडियम आज फिर पकौड़ी बनाए, ज़्यादा गर्म तेल में बनाएंगे तो देखिए तेल में डाल रही हूँ, तेल बहुत थोड़ा डालिए, जितना आपका बेसन है, ये नहीं कि पकौड़ी पूरी डीप हो जाए, नहीं सिर्फ थोड़ा आधा हिस्सा अंदर जाना चाहिए और आधा हिस्सा उठा होना चाहिए जो कि तेल के बाहर हो। तो ये देखिए तेल मेरा गर्म हो रहा है, एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिए। और इसके बाद और ये देखिए ये मेरा ये तैयार हो गया घोल, ये देखिए 1 कप बेसन 5 कप पानी डाला है, ये इसका रेशियो होता है। ये देखिए अब इसमें 1 कप पानी और डालेंगे, ये मिक्सी में आया नहीं, ये देखिए कोई गांठ वाँट नहीं, बिल्कुल फिट बना रखा हुआ है, इसको इधर रख देते हैं। अब देखिए तेल करीब करीब गर्म हो रहा है, मैं पकौड़ी टपका रही हूँ, देखिएगा आप चाहे हाथ से टपकाएँ या स्पून से टपकाएँ, जिस चीज़ से आपका मन हो, मैं तो हाथ से ही डाल देती हूँ। तेल देख लेते हैं, हुआ नहीं, चलिए ये देखिए ये मेरा गमला है, ये मेरी कढ़ाई टूट गई थी ये, तो मैंने इससे मिट्टी भर के, ये देखिए मैंने चौलाई बो दिया है, चौलाई है देखिए कितनी अच्छी हुई है, ये देखिए चौलाई चौलाई भी है और नीचे जो है ना मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये मिर्च के ढेर सारे पेड़ तैयार हुए हैं और ये हमारी चौलाई तैयार है। ये कढ़ाई टूट गई थी इसमें मैंने मिट्टी भर दिया। अच्छा अब देखिए अब ये इसको मैं पकौड़ियाँ टप्पा रही हूँ, देखिए ये चोंच निकल आती है ना, लेकिन अगर तेल आपका थोड़ा है, देखिए चोंच नहीं निकली, गैस को बिल्कुल स्लो रखें, ये ऐसे ऐसे देखिए चोंच हमारी पकौड़ियों में चोंच नहीं निकली हुई है। तो बेसन ये देखिए बिल्कुल धीमी आँच पर टपाइए और इतना तेल डालिए कि पकौड़ियाँ जो हैं वो आधी बाहर रहे आपकी, देखिए। तो ऐसे ही हम सारी पकौड़ियाँ बना ले, ये देखिए दोस्तों कैसे छेद छेद बना हुआ है, ये देखिए
यही इसकी निशानी है कि फूल चुकी हैं पकौड़ियाँ। बेसन को आप इतना फेंटें जैसे आप उड़द की दाल फेंकते हो, और पानी में डाल के देख लें। अब ये देखिए ये पकौड़ियाँ तैयार हो गई। देखिए कितनी बढ़िया बनी गोल गोल सी, ये और कितनी क्रिस्पी, देखिए क्रंची क्रंची सी आवाज़ आ रही। ये देखिए ये थोड़ा जुड़ गई है, इसको ऐसे तेल डाल दें ऊपर से तो कच्चापन खत्म हो जाएगा। ये देखिए अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी हम कटवा देते हैं इसी में। आपको बड़ी पकौड़ी पसंद हो बड़ी डालिए, छोटी पसंद हो छोटी डालिए। ये देखिए अगर ये बेसन है इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम गरम तेल ऐसे डाल देंगे, ये जैसे पलटने में हमारी पकौड़ियाँ खराब न हो। देखिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है गोल गोल से। अब ऐसे इसको घुमा दीजिए। ये तो कैसी लगी आपको ये मेरी टिप, बहुत अच्छी बनी हुई पकौड़ियाँ, एक भी पकौड़ी कहीं से टूटी फूटी नहीं है। ये देखिए न टेढ़ी है न चोच निकलती है। ये देखिए लेकिन तेल थोड़ा कम डालिए, ज़्यादा तेल आप डालेंगे पकौड़ी में चोच निकल आएगी, और तेज आंच पे बनाएंगे तो पकौड़ियाँ अंदर से नहीं पकेंगी ऊपर से जल जाएंगी। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए। ये देखिए अब ये पकौड़ियाँ हमारी ज़्यादा हैं, इनको हम निकाल लेंगे चाय के साथ खाने के लिए। और अब चलते हैं इसका तेल निकाल लेते हैं। वैसे कढ़ी सबसे अच्छी भगोने में बनती है, लेकिन ये कढ़ाई मेरी जल चुकी है तो मैं इसी में बना लेंगी, धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तो अब तेल निकाल लेते हैं, तेल निकाल के कढ़ी की तैयारी करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए देखिए कितने बड़े बड़े छेद हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए कितने सुंदर, ये देखिए ये अब ये कैसे नहीं गलेंगी, बहुत जल्द गलेंगी, बहुत जल्दी गल जाएंगी। चलिए आज बृहस्पति है, आप भी बनाइए। अब देखिए दोस्तों कढ़ाई गर्म है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा जीरा। गैस को स्लो ही रखते हैं। इसमें थोड़ा सा दो तीन काली मिर्च, और डालेंगे थोड़ा तेज़पत्ता, और जरा सी दालचीनी। तो ये मेरे खड़े गर्म मसाले हो गए। जीरा भी हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं ये देखिए थोड़ा सा खड़ी धनिया कूट के। ये देखिए दाने हैं, इसको डाल दिया मैंने। अब डालेंगे थोड़ी हींग, ये हरा मिर्च, आप मिर्च जो है अपने अकॉर्डिंग डालें। अब देखिए ये मेरे मसाले पक गए हैं, अब मैं सबसे बाद में इसमें डालती हूँ मेथी। मेथी पहले मत डालें, कढ़ी जो है कड़वा जाती है। ये देखिए वो भी मेथी मैंने भिगो के डाली है, ये देखिए भीगी हुई मेथी। अब इसमें थोड़ा सा हम प्याज डालते हैं, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं स्किप कर दें। अब इसको हम पका लेते हैं प्याज को, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं इसकी मिठास ख़त्म हो जाती है। ये देखिए और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ सब बनी रखी हुई हैं। ये देखिए इसको चाकू से हम काट दें, आप देखिए ये देखिए देखिए कितने छेद छेद से हुए हैं। ये देखिए ये कि सोडे की वजह से ऐसा हुआ है, ये लेयर अलग हो गई, ये अंदर का अलग हो गया और ज़्यादा फिटाई हुई है। तो ये देखिए अब ये मेरा प्याज, तेज़पत्ता, खड़े गर्म मसाले
अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम एक तड़का और लगाएंगे बस। अब ये देखिए जो मैंने पानी बना के रखा हुआ है इसको थोड़ा हिला लीजिए, नहीं तो बेसन जो है ना वो नीचे बैठ जाता है तली में, तो इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ये देखिए। और इसको अब हम धीरे धीरे करके गैस स्लो करके इसको डाल देते हैं और इसमें थोड़ा पानी हम और डालते हैं ना, एक कप बेसन है तो 8 कप करीब करीब पानी डालें, तभी कढ़ी जो है ठीक से कड़े के सामने आती है। ये देखिए अब इसको हम चलाएंगे, चमचा लेते हैं ये देखिए अब इसको हम चलाते रहेंगे। अब ये देर तक चलाई जाएगी, कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना, यानी बहुत देर तक इसको चलाना है। अब अगर इसको थोड़ा सा कलर और हम चाहते हैं तो इसमें ज़रा सी हल्दी और डाल देते हैं। ये देखिए ये इसी बेसन के साथ पक जाएगी, आप ये मत सोचिएगा कि ये पकेगी नहीं। अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे, ये देर तक चलाएंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हो ना कढ़ी जितना ही पकती है उतना ही स्वाद देती है। अब देखिए दोस्तों कढ़ी देखिए मेरी पक गई, कम से कम 10 मिनट हो गया, देखिए किनारे किनारे भी। और इधर देखिए इधर कुकर बुला रहा है, इसकी दाल पक गई है, तो इसको भी मैं बंद कर देती हूँ, बंद कर दिया। और कुकर ये देखिए, ये कढ़ी भी मेरी हो गई है 100% तैयार है। ये देखिए इसका नमक उमक आप टेस्ट कर लीजिए, खाने के लिए रेडी है, आप सिर्फ सर्व करिए। हाँ एक बात आपको मैं बताना भूल गई कि अगर आपने कढ़ी में मतलब यानी पकौड़ों में अगर सोडा डाला है तो गैस बंद करके पकौड़ियाँ डालें, और अगर सोडा नहीं डाला है तो बस पूरी कढ़ी बन जाए इसके बाद पकौड़ा डालें, 1 मिनट खोला दें कढ़ी उतार लें। तो ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है, अब मैं इसमें देखिए पकौड़े डालती हूँ। आप पकौड़े देखिए मेरे कितने गोल मटोल बने हुए हैं, ये देखिए तो मैं इसे डाल देती हूँ। देखिए ये इतने पकौड़े हम रखेंगे, ये मेरा दूसरी डिश हो जाएगी दही वाली, रायता हो जाएगा। देखिए इसको हम चला देते हैं, ये देखिए देखिए चला देते हैं, जिससे छेद हैं इसी में, लेकिन अब गैस हम नहीं जलाएंगे। और ये देखिए ये मेरा रायता भी तैयार है, ये देखिए ये दही है, इसमें मैंने थोड़ा सरसों भून के डाला है, सरसों भून के डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा कच्ची हल्दी डाली है, और ये पकौड़ियाँ मेरी तैयार हैं। बस अब जब लंच बॉक्स लंच में देना होगा उसी समय इसके ऊपर से हम काला नमक और पुदीना छिड़क देंगे, क्योंकि पहले से डाल दो काला नमक या कुछ भी नमक तो खट्टी हो जाती हैं पकौड़ियाँ। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसमें मैंने थोड़ा सा दही खट्टा था इसलिए मैंने इसमें चीनी भी डाली है। ये देखिए ये मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं और ये हमारी कढ़ी तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें एक लगा देते हैं तड़का। अब देखिए लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे, अब डाल दीजिए स्वाद के अकॉर्डिंग, जितना नमक आप खाते हैं पसंद करते हैं उस हिसाब से नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें। अब ये देखिए ये हमारा चमचा चढ़ा हुआ है, तड़का जो है वो हम घी का लगाएंगे। ये देखिए नमक मिक्स हो गया, अब हम तड़के में देखिए क्या क्या डालेंगे। तड़के में डालेंगे पहले घी, ये देखिए घी डाल दिया, और ये देखिए ये है हींग और सरसों के दाने, थोड़ा जीरा और थोड़ा लाल मिर्च, और गैस को कर देते हैं बंद, नहीं तो ये जल जाता है तड़का। ठीक है अब इसको इसके ऊपर देखिए मेरी कढ़ी रेडी हो गई। अब आप बताइए आपको कैसी लग रही मेरी कढ़ी। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा कलर के लिए हम ये डाल देते हैं ये कश्मीरी मिर्च हो गया, और ये करी पत्ता ऊपर से ग्रीन ग्रीन के लिए, या हरी धनिया डाल देते हैं, करी पत्ता हम पहले डाल चुके हैं। ये देखिए करी पत्ता मैं डाल चुकी थी, ये हरी धनिया डाल दिया। तो आपको मेरी कढ़ी कैसी लगी, तो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो ये देखिए आपको ये मेरी पकौड़ियाँ हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये देखिए पुदीना पाउडर, ये पुदीना पाउडर, इसके बाद डाल देते हैं काला नमक, ये
काला नमक, काला नमक हो गया। और अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा हम लोग कम अवॉइड करते हैं इसलिए लाल मिर्च नहीं खाते। अब ये देखिए, ये मेरी कढ़ी, ये खट्टी पकौड़ियाँ तैयार हुई, ये मेरी कढ़ी तैयार हुई। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दाल भी बन चुकी है, उसमें हम तड़का लगाने जा रहे हैं।